हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन एकेडमी। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों? क्योंकि आज मैं थोड़ा डिफरेंट जगह से क्लास को ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा क्वालिटी के लिए थोड़ा मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। क्योंकि आज मेरी एक्चुअली आपको पता ही होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा, मेरे कल दादी का ऑपरेशन है, तो मैं रात में आज हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी से ही रात की क्लास ले रहा हूँ अभी की आप लोगों की। तो मैं नहीं चाहता था कि इसको रिशेड्यूल करूँ किसी और डेज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है आजकल। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास आज की हम लोग मिस ना करें और क्लास आज की लें। तो सबको अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है और विजिबल है, तो हम लोग आज का सेशन बजट का स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नेटवर्क का इशू है और हम लोग किसी और दिन कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इस क्लास को पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे रख लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो सकेगा मैं क्लास को आज कर लूंगा। धन्यवाद दिव्या, धन्यवाद। वेलकम वेलकम, सब आप लोग का प्यार है, इसी वजह से मैंने क्लास को पोस्टपोन नहीं किया, और मैंने चाहता हूँ कि मैं क्लास को आज लूँ पूरा क्लास को। ठीक है, तो बस इसी वजह से मैं आज क्लास आज की रख रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि बजट क्या होता है, क्या मेन इसके फीचर्स होते हैं। आज हम लोग और डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे कि इस साल का जो बजट आया था, 2020-21 का हमारा जो बजट आया था, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पहलू थे, किस पे ये आधारित था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि बजट जो होता है हमारा, वो बनाता कौन है, कौन सा मंत्रालय का मेन रोल होता है बजट को बनाने में। आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है, जो बजट होता है हमारा वो प्रस्तुत, या फिर प्रस्तुत तो हमारे वित्त मंत्री जी करती हैं, करंटली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना, लेकिन इसको बनाता कौन है। जैसा कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था, आप लोग को अगर याद होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में हमने पढ़ा था, तो इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता था बताइए, तो जो बच्चे लेट से आए हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं आप लोग आज की क्वालिटी ऑफ के लिए आप लोग से क्षमा रहेगी, अगर वीडियो वगैरह की क्वालिटी या आवाज में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप लोगों को। ठीक है, तो आज मेरी ड्यूटी रात में है हॉस्पिटल में, तो वहीं से मैं इसलिए क्लास ले रहा हूँ। चलिए बताइए, कौन सा मंत्रालय है हमारा जो बजट को बनाता है बेसिकली। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको जैसे बताया था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं हमारे, जो मुख्य वित्तीय सलाहकार होते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, उनके निर्देशन में हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे बनता है। ये भी हमारा कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी बजट भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बनाता है। ठीक है, प्रणाम सोनाली। और ये भी किसके अंतर्गत आता है, हमारे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हमारा क्या होता है, बजट बनाता है। हाँ, बोथ बनाते हैं आयुषी, लेकिन वहां पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या है, वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां पर जब बनता है तो हमारे जो मुख्य मुख्य जो हमारे वित्त सलाहकार हैं, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो हमारा देखते हैं। ठीक है, वहां पे मुख्य मुख्य वित्त सलाहकार देखते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं। चलिए अब इस साल के बजट पे आते हैं, जो हमारा बजट 2021 और 22 का आया है, इसके हमारे मुख्य पिलर कितने हैं। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि जो बजट हमारा 21 और 22 में प्रस्तुत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें हमारे कितने पिलर्स हैं। वेरी गुड स्वाति, टोटल हमारे 6 पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं बताइए, आयुषी और स्वाति आप लोग बता सकते हैं, टोटल हमारे 6 पिलर्स हैं। एकाध के नाम बताइए। हाँ चलिए, पहला हमारा हो गया स्वास्थ्य और हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग। कोई बात नहीं दिव्या, कोई बात नहीं, आज हम पढ़ाएंगे ही वैसे भी, लेकिन जिन बच्चों को आता है तो उनका रिवाइज भी होता रहेगा। मैं पूछ रहा हूँ, वैसे तो मैं पूरा पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो पहले पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, हेल्थ और वेलबींग आता है। ठीक, दूसरा इसके बाद क्या है हमारा, इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस नाम से हमारा कुछ है, 6 पिलर्स में इंश्योरेंस नाम से कुछ है हमारा, नहीं है, इंश्योरेंस नाम से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि जो हमारा
फाइनेंशियल कैपिटल, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है हमारी, और हमारे जो संस्थान बन रहे हैं, सरकार के द्वारा जो बनाए गए संस्थान बनाए जा रहे हैं, उन पे जोर है। पहला क्या हो गया, फिजिकल, यानी कि हम जिस चीज को छू सकते हैं वास्तविक में, हमारी जो चीजें हैं वो हो गए। उसके बाद हमारे वित्तीय कैपिटल, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि आर्थिक स्थिति जो है देश की, उसको हमें बढ़ाना है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। ठीक, चौथा, तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। वेरी गुड स्वाति, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सभी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, सबको क्या करना है, सबका विकास करके चलना है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, और क्या करना है, किसके लिए, फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, जो हमारा एस्पिरेशन है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या है, एस्पिरेंट हो गए। तो ऐसे ही हमारा देश क्या है, हम देश के विकास के लिए क्या है, एस्पिरेशन है, हमारा एस्पिरेंट है उसके लिए। तो एस्पिरेंट, एस्पिरेशनल इंडिया है के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और क्या चीज है हमारा, वेरी गुड आयुषी, हाँ, ह्यूमन कैपिटल को क्या करना है, नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं करना स्वाति, वहां पे देखिए सरकार नहीं, देखिए जब भी हमारा बजट आता है तो एक एक चीज के आगे एक वर्ड लिखा होता है, रीइन्विगोरेटिंग, यानी कि हमें अपना जो ह्यूमन कैपिटल है, यानी कि मानव जो हमारा क्या पूंजी है, उसको दोबारा से पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, विकास तो हो ही रहा है देश का, और भारत में क्या था, इस साल का जो बजट था आपने देखा होगा, कोविड पे काफी चीजें निर्धारित थी, और बजट भी हमारा क्या था, इस बार का डिजिटल बजट था। तो हमें अपनी वापस क्या करनी है, जो हमारी मानव कुंजी है, यानी कि हम इंसानों, हम जो भारत के नागरिक है, हमारी जो कुंजी है, उसको दोबारा से क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, यानी कि री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, यानी कि हमें अपना क्या करना है, पुनर्वास करना है, पुनर्जीवित करना है अपने मानव साधन को। इसके बाद क्या आता है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो नवचार की हम बात करते हैं, यानी कि देश में जो हमारे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर नए नए नवचार विकसित करे जाएं, और देश में हमारा क्या है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हम लोग अनुसंधान क्षेत्र हैं हमारे, उसमें भी वृद्धि हो, नए नए क्या करें, आविष्कार करें भारतीय लोग। और लास्ट में हमारा क्या है, वेरी गुड आयुषी, लास्ट में हमारा क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। बफर कर रहा है क्या आप लोगों का, अगर आप लोग को नेटवर्क का इशू आ रहा हो तो बता दीजिएगा। आज आज की क्लास के लिए थोड़ा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से लिए। ठीक है, अच्छा आपका नहीं हो रहा, इसका मतलब नेटवर्क का इशू होगा आपके एंड पे आयुषी एक बार। हाँ, क्योंकि आज मेरी दादी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मेरी रात में आज ड्यूटी हॉस्पिटल में थी, तो मैं कार से ही क्लास ले रहा हूँ। मैंने सोचा रीशेड्यूल करने से अच्छा है कुछ हम लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो कल की हमारी जो 11 बजे की क्लास है, उसको मैंने रीशेड्यूल कर दिया। आप लोग पास मैसेज आ गया होगा, क्योंकि कल उनका ऑपरेशन है, तो मैं दिन भर यही व्यस्त रहूंगा। ठीक है, तो परसों आपकी क्लास फिर रहेगी, कल कोई क्लास नहीं लगाई मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो इस साल का बजट है, अभी हम लोग जब बजट को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, तो अभी हम क्या देखेंगे, हमारा बजट जो है 6 पिलर्स पे बनाया गया है, और सरकार ने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं, और जितने भी फंड अलॉट किए हैं, इन 6 क्षेत्र में करें हैं। क्लियर, इन 6 क्षेत्र में ही हमारे क्या है, बजट बजट जो है, पूरे फंडिंग वगैरह सब कुछ क्या है, इन्हीं 6 क्षेत्र में ही अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो इतना 6 सभी को समझ में आया, ये 6 पिलर्स को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेलकम बेटा आयुषी, वेलकम, आप लोग का प्यार था, इसी वजह से मैंने क्लास रिशेड्यूल नहीं करी। मैंने सोचा आप लोग मेरी क्लास का वेट करते हो, तो रिशेड्यूल करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ समय के लिए मिल लें।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको बाई हार्ट याद कर लीजिएगा। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो इन छह में से एक ना एक पॉइंट आएगा जरूर। ठीक है, चलिए, वेलकम वेलकम एवरीवन। चलो अब बात करते हैं, एक एक क्षेत्र की बात करते हैं। अगर हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करें, जो हमारा पहला पिलर है, यानी कि हेल्थ और जो हमारा वेलबींग है, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। हेल्थ और वेलबींग से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, हेल्थ और वेलबींग की से शुरुआत करते हैं। तो आपने इस बार देखा होगा कि हमारा जो मैक्सिमम बजट था, हेलो अक्षय, मैक्सिमम बजट था हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में और वृद्धि करने के लिए था। अगर आपने पढ़ा होगा इस बार का बजट, जिन्होंने भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बार हमारी सरकार ने एक योजना लॉन्च करी है। अगर आपने पढ़ा, न्यूज में सुना भी होगा आपने, भारत सरकार ने पीएम यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करी है। क्लियर, सबसे पहली चीज है आपको इस योजना का नाम पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको अगर याद होगा जब हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपके सामने कोई भी योजना पढ़ रहे हो या फिर न्यूज में देख रहे हो तो सबसे पहले गूगल करके आपको यह पता करना है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है कि क्या है हमारी, है ना। दो तरह की योजनाएं होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है। यस और नो, मैंने हमेशा इम्फेसिस आपको दिया है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि केंद्र योजना है। हाँ, मोर देन इनफ है आयुषी, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का बजट का और इकोनॉमिक सर्वे मैंने जितना पढ़ाया है, आप लोग कई बच्चे मैसेज भी कर रहे थे सर इकोनॉमिक सर्वे एक क्लास में मोर देन इनफ है, तो मैं आपको क्लियरली कहता हूँ अगर प्रीलिम्स में आपका इकोनॉमिक सर्वे से कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्लास के बाहर का नहीं आएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे में हमारे दो पोर्शन होते हैं, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 क्या होता है, फ्यूचर के रिफॉर्म्स होते हैं, यानी कि सजेशन जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। तो जो जो आपको सजेशन दिए गए हैं वो आप कहाँ यूज करते हो, मेंस में यूज करते हो। ठीक है, और प्रीलिम्स में आपके लिए डेटा आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, तो फैक्ट्स हमने सारे कवर कर लिए हैं और जो रिफॉर्म्स हैं वो जब मेंस की बात होगी तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं आयुषी, आप इतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, अब चलो इस स्कीम पे आते हैं। चलो ये स्कीम जो है हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने आपको बताया। तो अगर ये स्कीम हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है तो केंद्र सरकार इसमें 100% पैसा देगी या उससे कुछ कम देगी, बताइए आपके अनुसार। अगर ये हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो केंद्र सरकार इसमें 100% पैसा देगी, कितना देगी, 60%, और 40% कौन देगी, हमारी गवर्नमेंट देगी, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी कि क्या करेगी, सिर्फ हमारी क्या है, केंद्र सरकार कुछ परसेंटेज देगी और बाकी रिमेनिंग अमाउंट कौन देगा, हमारी राज्य सरकारें देंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम इस बात की बात करें, इस योजना की अगर हम बात करें, ये योजना हमारे किस प्रकार के चिकित्सा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रणाम शिवांगी, वेलकम। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारी ये योजना जो है, आपने देखा होगा, आपने जब भी मेंस के लिए अपनी हेल्थ सिस्टम को पढ़ा होगा तो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में कितने क्षेत्र होते हैं बताइए। नहीं, शिवांगी मैं सफर नहीं कर रहा था, आज हॉस्पिटल में मैं रुका हुआ था तो क्लास मेरे को लेनी थी, तो अपनी कार से ही मैं क्लास ले ले रहा हूँ, सफर कहीं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइए कि कितने क्षेत्र होते हैं हमारे, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने क्षेत्र होते हैं, पहले ये बताइए। हेल्थ सेक्टर में आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को एसडीएम बनना है, एसडीएम को ये बता होना चाहिए कि हमारे कितने होते हैं। वेरी गुड, तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीन
तीन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा क्या होता है? टर्शरी होता है। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं? जो लोग गांव में होंगे आपने देखा होगा, गांव देहात में जो हमारे अस्पताल बनाए होते हैं उसके आगे लिखा होता है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, आपने देखा है कि नहीं देखा है? PHCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देखा है कि नहीं देखा है? तो वो हमारे क्या प्राइमरी क्षेत्र के हैं, यानी कि अगर आपको बुखार हो रहा है ना, पेट खराब हो रहा है, या किसी भी प्रकार की चीजें हो रही है, छोटी मोटी बीमारियां हो रही हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र में जाते हो, केंद्र में जाते हो, वहां पे अपना क्या कराते हो? नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते हो। अगर वहां से मान लीजिए भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े और इलाज की, तो आप सेकेंडरी में जाते हो, और लास्ट में कहां जाते हो? टर्शरी में जाते हो, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं? थैंक यू शिवांगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? आपने देखा होगा जो हमारे एम्स हो गए है ना, मेदांता हो गया है ना, अपोलो हो गए, ये सब अस्पताल क्या टर्शरी सेक्टर्स के हैं। क्लियर? तो ये हमारे जो आखिरी उपचार के केंद्र, उनको टर्शरी सेक्टर्स का पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये योजना आई थी आपने देखा होगा, ये जो योजना है हमारी, ये हमारी जो है तीनों क्षेत्र को कवर कर रही है। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन उठ सकता है कि हमारे यूनियन बजट 2020-21-22 का, उसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च करी गई है, ये हमारे किन किन क्षेत्रों को कवर कर रही है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र को भी कर रही है, सेकेंडरी क्षेत्र को भी कर रही है, और टर्शरी को भी कवर कर रही है। तो ये हमारे तीनों क्षेत्र को कवर करेगी। क्लियर है? इससे क्या होगा, जैसे कोविड लॉकडाउन के दौरान हमारी बीमारियां हुई थी, तो उसमें क्या था, भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा एक्सपोज हो गया था। ठीक है, तो अब सरकार क्या कर रही है, उसको दोबारा से रिवैम्प कर रही है, यानी उसमें पुनः सुधार कर रही है, और उसको पूरा पुनर्खड़ा करना चाह रही है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? और देखिए इसके अंतर्गत क्या काम है, ये जो योजना रहेगी, ये योजना जो है हमारी 6 साल तक चलेगी, जो सरकार ने करा है, इस योजना को 6 साल तक चलाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 2021-22 से लेकर के आपका 2026-27 तक ये योजना चलेगी, और इसके एडिशन हमारा नेशनल हेल्थ मिशन एज इट इज चलता रहेगा, है ना? आपके मन में अब सवाल आएगा कि सर आपने एक बार पढ़ाया था हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है हमारा, उसके बारे में, तो वो योजना अलग है, ये योजना अलग रहेगी, दोनों पैरेलल योजना है। अच्छा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर सरकार ने दो दो योजना क्यों निकाली है? मैं आपको पढ़ा तो दे रहा हूं, लेकिन मन में किसी बच्चे कैसे डाउट हो रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन भी सरकार चला रही है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी लॉन्च करी है? सतीश के हो रहा है, और किसी के हो रहा है? देखो मैंने एक लाइन आपको क्या बोली है, ये क्या कर रही है, हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और उसमें क्या करना है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। दोनों का अंतर समझ में आया? नहीं, इसमें क्या है, हमें इंस्टीट्यूट्स को खड़ा करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा गोरखपुर में एक नया एम्स बनेगा, तो एम्स का बनना क्या है, हमारा एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना है। तो जो पैसा इस योजना में लग रहा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट खुद बनवाएंगे। नहीं, सरकार बना रही है जी रेखा, इसमें तीनों सेक्टर्स इंक्लूड है, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तीनों ही क्या है, इसमें इंक्लूड है हमारे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को दोनों का डिफरेंस? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन इस स्कीम के अंतर्गत और बन सकता है। इसके अंदर क्या होगा, जो पूरे देश में हेल्थ और वेलनेस सेंटर है जो देश में खुलेंगे, उसको भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। देखो यहां से मेंस का एक क्वेश्चन और निकल सकता है, इससे क्या होगा, इट विल सपोर्ट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इस शब्द से कुछ याद आ रहा है, कोई योजना का नाम याद आ रहा है, इस वर्ड से कोई भारत सरकार की योजना जो अभी हाल ही में साल 2 साल में सरकार ने लॉन्च करी है,
उसका कोई नाम याद आ रहा है, जिसमें हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने की बात करी थी सरकार ने? यस और नो, थोड़ा रिकॉल करो अपनी मेमोरीज को। वेरी गुड सतीश, आयुष्मान भारत योजना। वेरी गुड स्वाति, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारे दो मुख्य उद्देश्य क्या थे, यानी कि गरीब परिवारों को क्या था, 5 लाख का बीमा देना, और दूसरा क्या था, पूरे भारत में हमारा हेल्थ और वेलनेस सेंटर को मेंटेन करना। ये दो हमारे क्या थे, मेन उद्देश्य थे इसके। तो यहाँ देखो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट सरकार कर रही है, इसमें हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी जोड़ रही है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी जोड़ रही है, और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक नई योजना भी लेकर के आ गई है ना। तो ये क्या हो रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो अगर यूपी पीसीएस के या यूपीएससी के एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आता है कि सरकार को ने हमारे कोविड के लेसन से क्या सीखा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो आप इस योजना के पॉइंट्स को भी मेंशन कर दोगे तो आपके आंसर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। एक एक लाइन से आप देखो ना, दूसरी स्कीम को जब लिंक करना शुरू करोगे तो मेंस में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने सरकार की इस योजना को समझा है, और आप सारी योजनाओं को लिंक करके क्या कर रहे हो, जो हमारे देश के नागरिक है उनको क्या कर रहे हो, सेवाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए आपको पता है, और आप एसडीएम और डीएम मटेरियल हो, है ना। क्योंकि डीएम और एसडीएम के पास क्या होता है, लिमिटेड साधन संसाधन में उनको मैक्सिमम कवरेज देना होता है लोगों को, ठीक है। चलो इसके बाद एक सरकार ने इसी योजना में एक नए तरह का सिस्टम डेवलप करने की बात करी है, एक नई तरह की लेबोरेटरी, यानी कि हमारे जो प्रयोगशालाएं हैं वो बनाने की बात करी है। कोई बता सकता है कौन सी प्रयोगशालाएं हैं? इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, पूरे देश में हमारी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी। भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हमारी लैब बनाई जाएंगी, जहां पर लोग अपने जाकर के अपने बीमारियों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए टेस्टिंग वगैरह करा सकते हैं। अभी क्या होता है, आप लोगों को लैब्स वगैरह में जाने के लिए मोटे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो भारत सरकार इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाएगी सारे जिलों में देश के, ठीक है। बात समझ में आई, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत सरकार एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, यानी एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय हमारा क्या है, संस्थान का भी गठन करेगी इस योजना के अंतर्गत। बात समझ में आई, इस योजना के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी होगा, जो एक तरह का हमारा रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा, किसका, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ये हमारा क्या होगा, रीजनल सेंटर होगा, रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा WHO का। फॉर WHO, एक मिनट, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना समझ में आया, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, WHO का एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ बना रहे हैं। इतना नोट करा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्वास्थ्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, ये हमारे देश में जो हमारे हेल्थ सिस्टम बनाए जाएंगे, ये हमारा किसके अंतर्गत बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत। अब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक दूसरा कार्यक्रम भी लॉन्च किया है, हमने लोगों को क्या करा, चिकित्सा दे दी अगर वो बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको क्या करें, पोषण तत्वों के लिए भी हमारी सरकार योजनाएं निकालती है, तो स्वास्थ्य और वेलबींग में हमारा एक न्यूट्रिशन के लिए भी एक नया, इसमें एक नया स्कोप बनाया है सरकार ने, यानी कि जो सेकंड हमारा पॉइंट है हेल्थ सेक्टर का, वो है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण,
के लिए या पोषण तत्वों के लिए। इसमें सरकार क्या कर रही है, जो सरकार का पोषण अभियान है और जो अन्य पोषण से संबंधित सरकार की योजनाएं चल रही, चाहे वो मिड डे मील की चल रही हो या कई योजनाओं को सरकार ने क्या कर रखा, बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए पोषण अभियान चलाया है और अन्य छोटी छोटी स्कीमें चल रही हैं। अब उन सबको एक जगह क्या करा जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और एक नई मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। यानी कि इसको नोट कर लीजिए, मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें हमारा क्या जोड़ दिया जाएगा, जो अभी हमारा पोषण अभियान चल रहा है वो जोड़ दिया जाएगा। और साथ साथ इसके क्या जोड़ा जाएगा, हमारी जो सप्लीमेंट्री जो छोटे छोटे अन्य प्रोग्राम चल रहे हैं न्यूट्रिशन से संबंधित, उनको भी क्या करा जाएगा, इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा, ताकि अब एक देश और एक योजना चले। अभी क्या होता था, देश में हमारी छोटी छोटी स्कीम चलती थी और लोगों को क्या होती थी, पता नहीं रहता था किस क्षेत्र किस स्कीम में हमारे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब क्या होगा, एक ही स्कीम रहेगी और सब चीजों का बेनिफिट वहीं से मिलता रहेगा सभी को। क्लियर है, चलिए नोट करिए। इसके बाद न्यूट्रिशन, बस इतना ही करना है, न्यूट्रिशन में हमारा इतना ही है। क्लियर, चलो इसके बाद इसका तीसरा, हमारे स्वास्थ्य और वेलबीइंग में तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है हमारा यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। यानी कि भारत में सभी लोगों को क्या मिलेगा, स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, पीने का स्वच्छ पानी और स्वस्थ भारत मिशन, इनको क्या करा है सरकार ने, एक ही में कराए। क्योंकि आप देखिए हमारी नहीं, इसका एम 24 तक का नहीं है, देखो इसको हमारा 5 साल के लिए लॉन्च किया। अभी मैं बताऊंगा, अभी अभी मैं 5 साल के लिए बताऊंगा, ठीक है शिवांगी, इसका 24 का एम नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, 2026 तक का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अगर आप हेडिंग पे जाओ, हमने हेडिंग क्या पढ़ी थी, हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य के संबंध में क्या हुआ, पोषण वाला स्कीम आ गई और क्या आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। अब क्या है, वेलबींग यानी कि अच्छे से रहन सहन की बात कर रहे हैं, तो रहन सहन अच्छे के लिए क्या है, हमारे शहरों में साफ सफाई रहे, तो उसके लिए हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, पीने का अच्छा पानी मिले लोगों को, अच्छे टैप के कनेक्शन मिले, पानी उनके घर तक पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, लोगों को मीलों किलोमीटर दूर ना जाना पड़े पानी लेने के लिए, तो उसके लिए क्या है, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई लेकर के आई सरकार। इसके अंतर्गत क्या है, आपने देखा होगा हमारी शहरी क्षेत्र में पिछले साल हमारी केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में एक योजना लॉन्च करी थी, जल जीवन मिशन, अगर आपने देखा होगा, सिर्फ ये अर्बन एरिया के लिए था हमारा। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी हमारी शहरी लोकल बॉडीज है, यानी कि जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लगभग हमारे देश में 4378 अर्बन लोकल बॉडीज है, इन सब में क्या करना है, पीने के पानी की सप्लाई हमें पहुंचानी है। देखा, देखो सरकार ने जब वो लेकर के आई थी तो पिछले बजट में कुछ पैसा आवंटित किया था, अब हर साल सरकार क्या करती है, उस बजट के लिए पैसा अलॉट करती है ना। अगर कोई स्कीम आपको चलानी है अगले साल, तो बजट से पैसा तो इसी साल के हेड्स पे खर्च करोगे ना, बात समझे कि नहीं समझे। जैसे आप देखो सरकार मनरेगा में जब खर्च करती है तो पैसा आवंटित हर बजट में करती है, पिछले बजट का पैसा तो लास्ट ईयर ही खर्च हो जा रहा है ना, क्लियर। इसलिए हाँ, हर नल जल योजना है, क्लियर। और इसके बाद क्या है, हमारा जो लगभग 500 अमृत सिटीज है, आप अगर देखा होगा अटल मिशन फॉर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो है हमारे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। आपने देखा होगा पिछली बार हमारा जो बजट में स्कीम्स आई थी, स्वच्छ भारत मिशन था, उसमें हमारा सूखे कचरे पे बात हो रही थी, सूखे कचरे पे होती थी, और पिछले साल से आपने देखा होगा जितने भी शहरी इलाके हैं या ग्रामीण इलाके हैं, सरकार ने क्या करा है, दो तरह के डस्टबिन पर फोकस कर रही है, एक ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन। यानी सूखे कचरे को आप डालेंगे किसमें,
कौन से कलर में सूखा जाना है और किसमें गीला जाना है? ग्रीन में, वेरी गुड। सूखा कचरा हमारा नहीं, सूखा किसमें जाएगा? ग्रीन में कौन सा जाना है? सूखा ब्लू में जाएगा, गीला ग्रीन में जाएगा। ठीक है, वेरी गुड अंजलि। सूखा जो है हमारा ब्लू में जाएगा और ग्रीन में गीला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब सरकार ने 500 जो अमृत सिटीज हमारी डिक्लेयर करी गई थी, इसके अंतर्गत अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर सरकार फोकस कर रही है। और इसके अलावा हमारा क्या है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है अगले 5 साल के लिए। इसका भी वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, यानी कि अगले 5 साल इस पे काम किया जाएगा। इसका मेन काम क्या है हमारा, शहर में जो हमारा सोर्स है यानी कि जो गार्बेज है यानी कि जो कचरा जमा होता है उसका सेग्रीगेशन करना होगा, यानी गीला कचरा कहाँ जाना है, सूखा कचरा कहाँ जाना है, इस तरह से। साथ साथ क्या करना है, प्लास्टिक को बिल्कुल भी बैन कर देना है अगले 5 साल में। अगले 5 साल में सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को भी रिड्यूस करके 0 पे लाना है। नोट कर लीजिए इसके अंतर्गत क्या करना है, ये सब आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट फेकल, फेकल का मतलब आप लोग जानते होंगे, हमारा जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उसका उसका मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कंप्लीट फेकल स्लज मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं इनका कायदे से मैनेजमेंट करना है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना है। दूसरा हमारा क्या है, सोर्स सेग्रीगेशन करना है गार्बेज का। यानी जो हमारा कचरा है उसका सोर्स जहां से वो उत्पन्न हो रहा है उसको सेग्रीगेट करना है, कहां से गीला निकल रहा है, कहां से सूखा निकल रहा है, उसको बाइफरकेट करना है। तीसरा क्या है, रिड्यूस इन सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक को एक तरह से पूरा ही खत्म कर देना है। इसके बाद क्या करना है, रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन को, जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको भी कम करना है। क्लियर। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑल लीगल डंपिंग साइट्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपके एनवायरमेंट की बात भी हो रही है और ये एक टेक्निकल टर्म है, बायो रेमेडिफिकेशन ऑफ ऑल लीगल डंपिंग, यानी कि जो सरकार के द्वारा हमारे कचरा डंप करने की साइट्स बनाई गई हैं, वहां पर क्या करना है, बायो रेमेडिफिकेशन करना है। सबको पता है ना बायो रेमेडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको बायो रेमेडिफिकेशन का मतलब ना पता हो, बताइए। अच्छा, लीगल डंप्ड साइट, डंप्ड का मतलब हुआ आयुषी जहां पे हम लोग कचरा क्या करते हैं, कचरा डंप करते हैं, जो कचरा घर होता है। आपको नहीं पता अक्षय, बायो रेमेडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, रेमेडी का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का उपचार करना, और बायो रेमेडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब उस बीमारी का या उस कचरे का उसके मूल जगह पर ही उपचार कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना कचरा क्या कार के अंदर डाल दिया, ठीक है, नहीं नहीं रिसाइकलिंग का मतलब नहीं हुआ इसका, लकी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने अपना कचरा जो है अपने घर के बाहर, जैसे आप ऐसे समझो, ये हमारा कोई एक, आज थोड़ा मैं गाड़ी में बैठा हूं तो हाथ भी सीधा नहीं चल रहा है, ये मान लो हमारा मोहल्ला है, यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ठीक है, और सब लोग क्या करते हैं, इस जगह पे कचरा डंप करते हैं अपना। अगर मैंने यहाँ पर हमारे जैविक का इस्तेमाल करके, यानी कि जो हमारे छोटे जीव जंतु होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर जो कचरा है उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उनको इसी जगह पे ट्रीट करा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायो रेमेडिफिकेशन, यानी कि पॉल्यूशन की चीजों का उसी की जगह पर ही उपचार करना। हाँ, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, बिल्कुल सही शिवांगी, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो रेमेडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। हाँ,
ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एट एट द प्लेस ऑफ इट सोर्स, या फिर जहां पे हम डंप कर रहे हैं या जहां से उत्पन्न हो रहा है वहीं पर ही इसको डंप कर, उसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? और कोई डाउट हो बताइए। बजट जानते हैं, मुझे लग रहा है दो क्लास और लेना पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है इस बार स्कीम्स काफी थी, मुझे लगा था एक दो क्लास में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है दो क्लासेस बजट की और लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग पहले टॉपिक पर ही हैं और इतना लेंथी टॉपिक है पहला भी, है ना। अभी वैक्सीन बची हैं, हाँ, और हमारा क्लीन एयर और स्क्रैपिंग पॉलिसी है, आपने देखा होगा जो गाड़ी की हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है दो सेशन और लूंगा, कभी परसों से फिर ले लेंगे किसी दिन दिन में। इतना नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीनेशन, वो अभी चर्चा लास्ट में करेंगे लकी। पहले हम लोग समझ लेते हैं बजट में क्या क्या सरकार ने चीजें करी हैं। अभी मैंने आंकड़े डिस्कस नहीं किए इस बार, इसीलिए कि किस स्कीम में सरकार ने कितना पैसा आवंटित किया है। पहला थ्योरी समझ लेंगे, तब हम लोग बता देंगे, तब मैं लास्ट में जब बताऊंगा कि हमारी सरकार ने जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो भारत योजना है उसमें इतना पैसा आवंटित किया, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, ये यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का मुझे लगता है क्वेश्चन यहां से उठेगा कि भारत की केंद्र सरकार ने इस साल बजट में कितना पैसा कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित किया है, क्वेश्चन यहां से उठेगा। वो बात अलग है बेटा, बेच करके खरीद करके क्या करना है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करी है किसके लिए, वैक्सीन को बनाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये 110% आपके आ सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये वाले से इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इतना नहीं है, ठीक। और इसके बाद इसमें जो लास्ट और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ और वेलबींग में, वो है हमारा स्वस्थ हवा या स्वच्छ हवा, क्लीन एयर एंड स्क्रैपिंग पॉलिसी। क्लीन एयर एंड स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके अंदर क्या है, सरकार ने लगभग आपका 2217 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं किसके लिए, ताकि हम एयर पॉल्यूशन को क्या कर सके, टैकल कर सके। आपने देखा होगा हर साल दिवाली के आसपास हमारे एनसीआर वगैरह में पराली का इशू आता है और अन्य जगहों पे इस तरह के इशूज आते हैं, तो सरकार ने 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस तरह की वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पैसा आवंटित किया गया है ये सिर्फ 42 हमारे जो शहर है उसी के लिए किया गया है, 42 अर्बन सेंटर्स के लिए ही किया गया है, ठीक है, 42 अर्बन सेंटर के लिए किया गया है, और वो भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर हमारा क्या है, 1 मिलियन से प्लस पॉपुलेशन है, 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, जहां की आबादी जो है 1 मिलियन से अधिक है, ठीक है। हाँ, पॉल्यूशन देखो कंट्रोल क्यों नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है हम लोग की, हम लोग क्या करते हैं, इवन हम और आप भी क्या करते हैं, अनचाहे ना चाहे हमारी आदत ऐसी होती है जहां खाते हैं वहीं कचरा फेंक देते हैं। सरकार हमारी पिछले 7-8 साल से क्या कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम लोग की आदत अभी भी वही है, हमारा बस घर स्वच्छ रहना चाहिए और हमारा क्या, समाज भले ही दूषित हो, है ना, तो हमारे अंदर ही कमी है। हाँ, आप नहीं होंगे सतीश, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, चाहे जाने अनजाने सबसे गलती होती रहती है, लेकिन मैं देखता ऑब्जर्व करता रहता हूँ, कई लोग कॉन्शियस होकर क्यों नहीं करते हैं, है ना, तो हम लोग उसको ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी ही ऐसी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, हमारी सरकार ने वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आए हैं, वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आए। इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो पुरानी गाड़ियां और अनफिट गाड़ियां हैं उसको फेज्ड मैनर में क्या करेंगे, हम लोग हटाएंगे,
है ना। फिटनेस हम लोगों ने क्या करा है, फिटनेस प्रपोज किया है, अगर किसी भी गाड़ी का कोई पर्सनल व्हीकल है, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और मेरी गाड़ी की आयु क्या हो गई है, 20 वर्ष से अधिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में, उसका फिटनेस कराना पड़ेगा, और अगर वो फिट पाई जाती है तभी वो रोड पे चलने लायक रहेगी, अदरवाइज उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको मुझे स्क्रैप करना होगा, ठीक है। और जबकि कमर्शियल के लिए कितना है, हाँ ग्रीन टैक्स अभी करेंगे, ग्रीन टैक्स में आएंगे, ये हमारा किसके लिए 15 साल है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। इसके डबल फायदे हैं अक्षय, इस पॉलिसी के डबल फायदे हैं, कोई बता सकता है क्या डबल फायदे हैं? पहला फायदा क्या है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है पर्सनल व्हीकल के लिए कितनी है, उसके लिए कितनी है। पहला तो पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने एक दिन बताया भी था शायद आप लोगों को, अगर याद होगा तो किसी को, वेरी गुड वेरी गुड शिल्पी, व्हीकल्स की सेल बढ़ेगी, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे सोचिए सतीश, अगर 20 साल पुरानी गाड़ियां हमारी 2 लाख 3 लाख गाड़ियां क्या हो जाती है, सिस्टम से बाहर हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लोग हैं उनको क्या मिलेगी, उनकी सेल बूस्ट हो जाएगी, यस और नो? तो इससे क्या अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और सरकार पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाएगी। तो ये सब मेंस पर्सपेक्टिव की भी पॉइंटर व्यू डेवलप करना जरूरी है, क्लियर? आप लोगों को मैं हमेशा ये बात कहूंगा, क्या चीज आपका क्या लिखा है आपने, दिव्या ने क्या लिखा है, एनवायरनमेंट की सुरक्षा बाजार में, नहीं, बाजार को बढ़ावा तो मिलेगा ही, बाजार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है दोस्तों, क्लियर? इसमें किसी प्रकार का डाउट, यहाँ पे हमारा पहला वाला सेक्टर जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि हेल्थ और फैमिली वेलबींग जो होता है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल वर्ड्स सही होना बिल्कुल जरूरी है, मैं हमेशा वर्ड्स पे फोकस करने की बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमेशा देखो बजट्स को हो गया, इन सब चीजों में क्या है, हमेशा क्रक्स ढूंढो, जो पॉइंट्स आपके लिए के एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो हमेशा, है ना। तो वो उसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एग्जाम्स के लिए में क्या है, प्रीलिम्स में इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग। और आप खुद सोचो, अगर जहां पे बजट से एक क्वेश्चन आना है या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाएंगे वर्स्ट केस में, तो उससे ज्यादा आपको टाइम देने का मतलब है क्या, आपने अगर 2-3 घंटे भी बजट पे दे दिए, उससे ज्यादा क्या समय देने का मतलब है हमारे लिए, आप खुद सोच के बताओ। देखिए मैं बस अपनी नॉलेज शेयर कर देता हूँ, देखो मुझे एक तरह से आप ये मान के चलो मैं उस रास्ते पे पहले चल चुका हूँ या चल रहा हूँ जिसपे आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, तो मुझे पता है जो मैंने गलतियां करी, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता या मुझे कोई टीचर गाइड करता इस सेंस में, तो वो गलतियां मैं नहीं करता, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सब चीजें शेयर कर लेता हूँ, है ना। इसीलिए मैं ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप लोग की क्या हो, वो गलती ना हो। नहीं, कमर्शियल का मतलब क्या हुआ, ओला उबर की बात कर रहे हो शिवांगी, आपने कई बार गाड़ियों में देखा होगा दो तरह के नंबर प्लेट्स लगी होती है, कोई मुझे कलर बता सकता है, कमर्शियल गाड़ियों का नंबर क्या होता, कलर क्या होता है और इसके क्या होता है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी रोड पे निकला कीजिए, सब ऑब्जर्व कीजिएगा। हाँ येलो और व्हाइट, येलो कलर किसके लिए होता है, हाँ कमर्शियल के लिए येलो होता है, और जो हम लोग पर्सनल करते हैं हम लोग का व्हाइट कलर होता है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, जिन बच्चों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी भी अवेल नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, आप इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो, काफी नए बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, इसको आप लोग अभी से ज्वाइन करो, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग की तैयारी बिल्कुल कायदे से हो सके, ठीक है। इन बैचेस को एनरोल कर सकते हो, 9 तारीख यानी कल से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, जो कि हमारा लोअर पीसीएस लेखपाल एग्जाम्स को सारा कवर करेगा, इसमें यूपी पीसीएस कैटेगरी के आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, और इसमें लेखपाल एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी होगी, ठीक है। इसके अलावा 100 डेज का आपका नया बैच आ रहा है 9 तारीख से, जिसमें रायना मैम है, अंकुर सर है, विपिन सर है, भरत सर, धनंजय सर, मैं हूँ, विपुल सर है। तो ये आपका जो 13 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा शिवांगी। बस बजट के बाद हम लोग स्पेशल क्लास ही रात में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैं ग्रुप शेयर कर दूंगा।
देखो बेटा, अक्षय लेखपाल के बारे में मेरे को इतनी जानकारी है नहीं, आप एक बार जो कंसर्न टीचर है बैच के, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लेना बेटा। टीसीएस से रिलेटेड मैं आपको जानकारी बता सकता हूँ, लेकिन लेखपाल के बारे में इतना मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया एग्जाम्स को। ठीक है, तो आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे जाके पूछेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। काहे का, अच्छा जमाना हो गया लेखपाल का नहीं आया, चलो आएगा। देखो उम्मीद तो दुनिया का है, मैं पीसीएस की तैयारी करो जो आ गया है ना। पीसीएस का आ गया वही कर लो यार, पता नहीं अगले साल आए ना आए, इस साल जो आया उस पे हाथ आजमा लो। ठीक है, तो जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ेगा मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करने के साथ साथ क्वाइन यूज करके 6804 रुपए का, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा लगभग 5600 रुपए का। जिन बच्चे को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश याद रखना, ना आगे 10 है ना पीछे 10 है, सिर्फ निर्मेश है। ठीक है शिवांगी, आप देख ही रहो दिन भर क्लासेस लगी हुई है, बैक टू बैक दिन भर 3 से 4 क्लासेस चली रही है। तो जैसे ही मेरी 1-2 क्लासेस खत्म होंगी, मैं सीधे करंट अफेयर की क्लास पे ही कूदूंगा सबसे पहले, और बजट के बाद मैं डेफिनेटली आऊंगा। तारिक सर की भी क्लासेस, हाँ बजट की आज से शुरू हुई है ना, तारिक सर की वो, अरे सॉरी, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास शुरू हुई है, आप जाके प्रोफाइल में चेक कर सकते हो मोना जी, प्रोफाइल में आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर लेकर के आऊंगा, फरवरी तक के कंप्लीट करा दूंगा, प्रोफाइल में नहीं दिखा रहा है। चलो अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करके करूंगा। अच्छा सर अभी बिजी चल रहे हैं, देखिए अक्षय बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कल एक बार मैं मॉर्निंग में सर से कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि अभी तो और टाइम हो जाएगा, मॉर्निंग में एक बार कंफर्म करके आपको बता देंगे हम। ठीक है चलो, श्योर श्योर शिवांग शिल्पी, मैं शेयर कर दूंगा। दिव्या, हाँ मेरा एक्चुअली मैं क्या बिजी तो मैं हूँ, साथ साथ मेरा भी माइंड जो है थोड़ा ग्रैंड मदर की तरफ ज्यादा मेरा फोकस्ड है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ। अच्छा मैं नहीं, अक्षय यार क्लास तो मैं रेगुलर, मेरी 3 से 4 क्लासेस हो रही है, आज ये मेरी फोर्थ क्लास है, आज मेरी फोर्थ क्लास है, लेकिन क्या था घर पे भी थोड़ा देखना पड़ता है, एक्चुअली फादर है नहीं मेरे, तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो मुझे ही सब चीजें देखनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है, तो फिर भाग दौड़ हो जाती है। हाँ इस वजह से कल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से, तो फिर परसों से मैं फ्री हो जाऊंगा, परसों से फिर क्लासेस अपनी रेगुलर रहेंगी। लखनऊ में जगरानी हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, जो लखनऊ से होंगे, जगरानी का नाम सुना होगा आपने, तो वहीं पर ही है। हाँ ठीक है, चलिए चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा आता है फिजिकल और फाइनेंशियल, थैंक यू दिव्या। सेकंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है हमारा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको अभी कराएं कि नेक्स्ट क्लास में कराएं, क्योंकि काफी लंबा है ये दोस्तों, इस टॉपिक को क्या करें, यहां पे रोक दे क्या, नेक्स्ट में करा देना। हाँ नेक्स्ट में करा देते हैं, आज थोड़ा क्षमा प्रार्थी है आपसे सभी के लिए, क्योंकि यहां से क्लास लेना पड़ रहा है, क्रोमा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो है ना, तो आज की क्लास को यहीं तक रख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी हमारे पास 5 टॉपिक और बचे हैं, इसमें जो 6 पिलर्स हैं, अभी हम लोगों ने क्या करा है, पहला पिलर करा है, बाकी 3 5 पिलर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो इसका सेशन और बनाएंगे, अभी कम से कम 2 3 सेशन और लेके खत्म कर देंगे। इसमें मैं जो नोट्स आपको दूंगा, और मैं आपको खुला चैलेंज कह रहा हूँ, 100% क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसके बाहर के नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, और मन लगा के इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, जितना नोट्स मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट में दे दिए हैं, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं ऑनश्योर कह रहा हूँ। करंट अफेयर और बजट्स वगैरह में आप मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सेशन को मैं एंड करता हूँ आज के लिए, और नेक्स्ट सेशन जब होगा आपको मैं शेयर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। धन्यवाद, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।